आपके भी इस तरह से गंजापन बालों में आ गया है और आपके भी जो है वो इस तरह से आगे से बाल जो है वो हेयर लाइंस जो है वो इस तरह से दिखती हैं और आपकी भी जो चोटी है वो इतनी पतली है। अगर आप चाहते हो कि आपके भी रीग्रोथ बहुत सुपर फास्ट हो, 1 वीक में आपको इसका रिजल्ट मिले और आप चाहते हो कि आपकी चोटी भी हो मोटी और फास्ट हेयर ग्रोथ हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो को देखना होगा। वीडियो देखोगे तो तभी तो समझ पाओगे कि इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है और इसके बेनिफिट क्या क्या है आपके बालों के लिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि ये आपके बालों की वॉल्यूम को बढ़ाएगा, आपकी बालों की सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ करेगा और आपकी चोटी को करेगा मोटी। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे ले लूँगी मैं अनियन, 2 मैंने अनियन यहाँ पे लिए हैं और साथ में मैं योगर्ट लिया है और मैंने विटामिन ई लिया है, ई का कैप्सूल लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है आंवला, तो 2 मैंने यहाँ पे आंवला लिया है। तो मैं आंवला और अनियन को जो है वो मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है इसे ग्राइंड कर लिया, अब इसका जूस निकाल लिया है और अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी। तो इसे मैं अच्छे से पहले स्टेन कर लूँगी, उसके बाद मैंने क्या करना है इसको मिक्स कर ले। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 स्पून जो है यहाँ पे मैंने डाले हैं दही के, तो 2 स्पून दही के डाल दूँगी और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी विटामिन ई के 2 कैप्सूल और ये आपको जो है वो मेडिकल स्टोर पे आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। ये इवॉन के मैंने यहाँ पे लिए हैं, करूँगी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है, ये इतना पावरफुल हेयर मास्क है कि ये हमारे फॉलिकल्स में जाके हमारे ग्लूकोन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। क्या होगा, हमारी रीग्रोथ अच्छे से होगी और साथ में जो अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो ये मतलब आपको 1 एप्लीकेशन में ही इसका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। मार्केट में आपको पता ही होगा कि आजकल जो है वो बहुत तरह के अनियन शैम्पू मिल रहे हैं, अनियन हेयर मास्क मिल रहे हैं, तो आप जो है वो इसे अपने घर पर बनाएं और इसका बेनिफिट उठाएं। अनियन में जो होता है वो सल्फर होता है जो हमारे हेयर की रूट्स पे जाके न्यूट्रिशंस देता है, जिससे हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है, हमारी रीग्रोथ मतलब इसके अंदर इतनी पावर होती है कि रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या स्कैल्प में किसी भी तरह का आपके इन्फेक्शन हो गया है तो इसे बिल्कुल ठीक कर देगा। और साथ में मैंने जो इसके अंदर योगर्ट डाला था वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है ये हमारे हेयर रूट्स को जो होता है न्यूट्रिशंस देता है, जिससे हमारे हेयर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ग्रोथ फास्ट करता है। और इसमें लैक्टिक एसिड और विटामिन बी सेवन होता है, नेचुरल कंडीशनर का भी काम करेगा। आंवला डाला था, आंवला क्या करेगा आपके बालों को, आंवला एक आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप एक आंवला रेगुलर खाते हो तो इससे आपकी स्किन हेल्दी रहती है, आप खुद हेल्दी रहते हो और आपके बाल जो है वो हेल्दी रहते हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हो, आंवले को अगर आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हो तो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, थिक बनाएगा और इसमें इतनी पावर होती है कि ये आपके रीग्रोथ भी आपके बालों की करेगा। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करते हो तो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है और इससे वॉल्यूम बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, जिससे आपकी जो चोटी होती है वो मोटी भी हो सकती है। तो आपने इसे यूज़ ज़रूर करना है और अपने बच्चों के लिए भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं। आंवले जूस को आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो। विटामिन ई डाला था, विटामिन ई जो होता है क्या करता है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये क्या करेगा हमारे बालों में मॉइस्चर बना के रखेगा और पीएच लेवल, ब्लड सर्कुलेशन और फॉलिकल्स को बेहतर बनाता है। मैंने इसके अंदर जो है वो आपको इसके बेनिफिट बता दिए हैं, तो आप खुद सोचो इसका बेनिफिट कितना होगा आपके बालों के लिए। ये आपके बालों की रीग्रोथ करेगा, ये आपके बालों में डेंसिटी लेके आएगा, ये आपके बालों में फास्ट हेयर ग्रोथ करेगा और ये 1 वीक के अंदर अंदर यहाँ से ब्रॉड दिखती है। तो आल निकल गए तो ये आपके बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे। ये आपने किस तरह से इसे बालों में लगाना है, और यहाँ पे मैं कॉटन के साथ जो है वो इसे लगा रही हूँ और आपने धीरे धीरे पूरे रूट्स पे लगाना है। उसके बाद आपने पूरे रूट्स पे लगाने के बाद आपने मसाज करनी है, आपने अच्छे से इसकी मसाज करनी है और मसाज करने के लिए आपने 5 या 10 मिनट आपने मसाज करनी है। पहले कॉटन के साथ आपने इसे लगाना है और लगाने के बाद आपने अच्छे से इसकी मसाज करनी है। जब आपने इसकी अच्छे से मसाज कर ली उसके बाद
आपने अपने बाल आवर्स या हाफ आवर्स के लिए इसे छोड़ दीजिए, और बस उसके बाद अपने जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो आप उसके साथ अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आपने कितनी बार करना है? 3 बार इसे यूज़ करना है, और जब भी आपने बाल वॉश करने हैं उससे पहले लगा लीजिए। लेकिन उससे पहले आपके बालों में कोई भी ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप जब आप ये रेमेडी ट्राई कर रहे हो तो उस बीच में आपने कोई भी ऑयलिंग नहीं करनी है, आपने इसे ही यूज़ करना है। तो इस तरह से आपने इसे रखना है और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लेना है, बालों को वॉश कर लेना है। और ये बालों को वॉश करने के बाद आप रिजल्ट देख लीजिए, आपको इस तरह से जो है वो कुछ ही दिनों के बाद इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्पफुल, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।